हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता है कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस क्लास चल रहा था और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज वैसे मस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लेके आया हूँ आज भी, तो वीडियो के अंदर देखते रहिएगा क्योंकि आज भी मज़ा आने वाला है। और पता है आपको कि जितने टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा होता है और परीक्षा में आने की चांसेज होती हैं उससे 100%। तो वीडियो के अंदर देखते रहिए, आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। पहले तो मानिए, माना सामान्य चाल सामान्य समय सामान्य समय बराबर एक्स मिनट है। सामान्य समय क्या है? एक्स मिनट। अब नया समय आप निकाल लीजिए, नया समय देखिएगा, नया समय कैसे निकलेगा? चाल दिया है, चाल बराबर दिया है 3/4 भाग, जितना चाल है उसका 3/4 भाग, तो इसको नहीं ज्ञात करना है। और आपको पता है चाल प्रोपोर्शनल 1/ समय होता है, टाइम होता है। जैसे चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, इसका मतलब जो चाल है समय उसके विपरीत होगा। तो यहाँ पे आपको समय क्या पता चल जाएगा? समय पता चल जाएगा 4/3 भाग, जितना समय है सामान्य समय उसका 4/3 भाग, क्योंकि सामान्य चाल का 3/4 भाग तो दिया है, गति से पैदल चलता है सामान्य चाल का, तो 3/4 भाग चलता है, इसका मतलब समय का 4/3 चलेगा क्योंकि चाल के जस्ट ऊपरित हो जाएगा। तो नया समय आ जाएगा आपका 4x/3 मिनट। ये तो बात क्लियर हुआ, नया समय क्या होगा? 4/3 मिनट। अब देखिएगा तदनुसार का क्या रहा है, देरी से पहुंचता है तो उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्य कितना समय लगता है? देरी से पहुंचता है तो 4x/3 − x = 20, ये आपका इक्वेशन दिया है। सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य जो उसकी समय है उससे नया समय उसको इतना लगता है, दोनों को माइनस करें तो 20 मिनट देरी से जा रहा है तो माइनस कर देंगे, देरी से जा रहा है तो माइनस कर देंगे। अब देखिएगा 4x − 3x/3 और = 20, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3x पूरा होल / हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 = 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/20 = 60 मिनट, 1/60 मिनट। ऑप्शन इसमें कहीं 60 मिनट नहीं दिया है तो ये हो जाएगा 1 आवर्स, 1 घंटा। तो सामान्य कितना समय लगता है उसको समानते उसको 1 घंटा समय लगता है, 60 मिनट समय लगता है। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, अगर टाइम पूछे तो अगर चाल पूछे तो चाल वाले को ऐसे निकालेंगे, माना सामान्य चाल एक्स उसका भाग इतना, और कितना अधिक चाल से जाता है कितना कम चाल से जाता है ये देगा तो हम निकाल लेंगे। टाइम दे तो देखिएगा गति जो टाइम होता है एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा होते हैं। तो मान लीजिए सामान्य गति का इतना भाग गति से चल रहा है तो सामान्य समय इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्स का 4/3 भाग, ठीक है। जब यह 4/3 भाग हो जाएगा तो अब तदनुसार प्रश्नानुसार या तदनुसार करके ज्ञात कर लेंगे एक्स का मान 1 घंटा। तो आई होप कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है, यदि 90 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटरों में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले तो मीटर में बोल रहा है और इसकी चाल दिया है क्या 90 किलोमीटर/आवर, तो स्पीड दिया है 90 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर/सेकेंड में चेंज कर लीजिए क्योंकि मीटर में पूछ रहा है। तो 90 × 5/18 = 25 मीटर/सेकेंड इसका चाल हो गया, कन्फर्म। अब आइए, 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की दूरी
एक मिनट में कितनी दूरी पार करती है ये तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि प्लेटफार्म और रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों का जो दोनों की जो लंबाई है परस्पर बराबर है। तो देखिएगा, 1 मिनट 60 सेकेंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, 1 मिनट या 60 सेकेंड रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, 60 सेकेंड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, कन्फर्म। तो देखिएगा, तय की गई दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। क्यों? क्योंकि देखिएगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ज्ञात नहीं करेंगे, और डायरेक्ट अगर ज्ञात भी करते हैं तो 2 से उसमें डिवाइड कर देंगे जो दूरी आएगा, तो रेलगाड़ी द्वारा हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई परस्पर बराबर है। तो कह रहा है कि यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बस पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई जुटेगी, तो कुल लंबाई उसकी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी होगा 2 रेलगाड़ी की लंबाई। अब 2 रेलगाड़ी की लंबाई क्यों आएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों बराबर है, तो यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई रख देंगे 2 रेलगाड़ी की लंबाई, और यही आपको ज्ञात करना है, 2 रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, लंबाई मतलब दूरी, क्योंकि रेलगाड़ी जो लंबाई होती है वही उसकी दूरी होती है जब वो किसी क्रॉस करती है, पार करती है। तो बताए थे पहला क्लास आप देखे होंगे, तब क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना, तो चाल दिया है 25 इंटू टाइम क्या दिया है, 1 मिनट दिया है, तो मिनट में नहीं रखेंगे सेकेंड में रखेंगे, क्योंकि चाल इसका मीटर पर सेकेंड में है, तो 60 25 सुना 25 सुना 25 चौको 100, 25 पच्चीस 125, 25 छक्के 150, 1500 मीटर, 1500 मीटर आ गया, तो 2 रेलगाड़ी की लंबाई 1500 मीटर आया, तो यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 1500 अपॉन 2 750 मीटर, 750 मीटर आंसर। एक बार और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर बराबर है, तो जो 1 मिनट में वो दूरी रेलगाड़ी तय करेगी, तो प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुटेगा, ये ध्यान में रखिएगा, तो दूरी में उनकी दोनों जुटेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, अब प्लेटफार्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है, तो दोनों इक्वल है, तो 2 रेलगाड़ी की लंबाई या 2 रेलगाड़ी की लंबाई, यही हो गया रेलगाड़ी की दूरी, लंबाई पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई या लंबाई दूरी हो गया। अब 2 रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 1500 मीटर आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, और आपको पता है कि लंबाई या दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल आपको मीटर पर सेकेंड निकालना है, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है उसकी लंबाई, और यहाँ पे मिनट में दिया है, इसको सेकेंड में चेंज कर देना है, बात क्लियर। और वहाँ से आप निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 750 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में ईजी है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही है, यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में क्या है। तो देखिएगा, मानस सुरंग की लंबाई बराबर एक्स मीटर, सुरंग की लंबाई एक्स मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, और रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे ही दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दे ही दिया है 800 मीटर, पीछे वाला क्वेश्चन में जिस तक किए हैं वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें देखेंगे 1 मिनट या 60 सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यही ना ज्ञात किए थे, क्या होगा, सुरंग की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुटेगी, तो 800 प्लस एक्स मीटर, ये काम यहां तक करेंगे,
क्योंकि 1 मिनट पार कर लेती है। तो कह रहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो 1 मिनट या 60 सेकेंड में पार कर लेती है, मतलब 1 मिनट या 60 सेकेंड में चलेगी दूरी या उसकी लंबाई क्या होगा। 1 मिनट में कितनी लंबाई पार करती है, तो वही दूरी बराबर इतना मीटर। चाल दिया है देखिएगा 78 किलोमीटर प्रति हावर्स, और आपको ज्ञात के में किस में करना है, मीटर में ज्ञात करना है। तो चाल को चेंज कर लीजिए, 5/80 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 2 3 6 2 9 18 और 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3 9 13 × 5/3 मीटर पर सेकेंड, 13 5 65 इसको लिख सकते हैं, 65/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी चाल आ गई। अब इसको देखिएगा, अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप दूरी का भी फार्मूला लगा सॉल्व कर सकते हैं, चाल बराबर भी समय बराबर, तीनों में से किसी का। तो चलिए हम समय वाले फार्मूला से लगाते हैं, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर डिस्टेंट बाई स्पीड। अब देखिएगा डिस्टेंस बाई स्पीड आ गया, डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड दिया है और टाइम भी दिया है, आप इसमें से एक्स निकालना है। तो टाइम क्या दिया है, 60 मिनट इक्वल टू डिस्टेंस क्या दिया है, 800 + x अपान स्पीड, स्पीड हो जाएगा नीचे दोस्तों 65/3, और नीचे जब 65 हो जाएगा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, साठ इंटू 65 आठ तिरकी 24 प्लस 3x 0, 6 5 30 के शून्य हाथ में है, 3 6 36, 3 39 100 इक्वल 2400 प्लस 3x। इसको जब सॉल्व करेंगे 2400 इधर जाएगा तो 3900, और ये 2400 इधर जाएगा, 2400 इक्वल 3x, ये हो जाएगा 0 0, और 9 में से 4 जा 5 1 इक्वल 3x। ठीक है, यहाँ से ऊपर हम चलते हैं, 3x बराबर दिया है 1500, 3x बराबर 3 5 15 500 मीटर, 500 मीटर आ गया x बराबर मान। x का मान क्या है, तो सुरंग की लंबाई, और सुरंग की ही लंबाई पूछ रहा है, तो आंसर आपका 500 हो जाएगा। अगर पूछता दोस्तों कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय की है, तो क्या करते हैं, तो 800 ए और 500 ए, 8 5 1300, 1 मिनट में, 1 मिनट में वो दूरी कुल तय की है। तो ये तो बात कंफर्म हो गया। आप इसको समय से भी निकाल सकते हैं, या स्पीड बाई डिस्टेंस बाई टाइम से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों टर्म्स जब दिया है तो किसी फार्मूला से आप रख के इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास आज समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने के लिए। अगर नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, जितना मैं इफेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन 100% लड़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर करके एक छोटे से प्रयास का हिस्सा बनिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जीके क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, चलती हैं, आपको पता है करंट अफेयर्स इंग्लिश की एकदम बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, और मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं। अब ये फ्री में कोई पे नहीं करना है, तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।